नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु पटेल और आप देख रहे हो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी की सच्ची खबरें। आज इस वीडियो में आप लोग 50 बड़ी खबरें देखोगे। पूरा वीडियो देख करके ही जाना दोपहर का, और इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना। चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। पहली खबर ये है कि आंगनबाड़ी बहन को ये 18 चेयर दी गई है। कहीं कहीं आपने देखा 2-3-4 चेयर पकड़ा दी गई, और कहीं पर बहनों को वो भी नहीं मिली। कुछ को बुला करके चुपके से विभाग वालों ने दे दिया और कुछ बहनों को दिया ही नहीं। तो ये भ्रष्टाचारी के उदाहरण थे, लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे सनसनी जरूर दौड़ेगी कि 18 चेयर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन को दी गई है। आईसीडीएस का लोगो भी चेयर पर बना हुआ आप देख सकते हो, नीचे उस पर आईसीडीएस लिखा भी है यदि आप अच्छे से देखना चाहो तो। तो आप लोगों को बता दें, अच्छी चेयर, ये 18 चेयर है टोटल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चेयर आप गिन लीजिए यदि आपको भरोसा नहीं है तो। तो यहां पर 18 ये चेयर आपकी स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए नीले वाले में आपको 5 तक मिल जाएंगे ऐसे, 6 और पीले वाले में 6-7 तक है, ऐसे तमाम तरह से। आप लोगों ये संशय में मत रहना कि ये 4-4 के टुकड़े हैं। तो ऐसी गलती मुझे भी एक बार हुई थी, अभी आपको गिन के बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चेयर है टोटल। तो अभी आपको बता दें, यहां पर ये 18 चेयर आंगनबाड़ी बहन को मिली है, साथ में ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है 3 रजिस्टर, चार्ट वगैरह, सुपोषण के लिए गाइडलाइन, तमाम जो चीजें यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, सब कुछ बहन को मिला है। अब ये क्यों हुआ और ये कहां से है, ये भी देख लीजिए, जरूरी है ये कहां से खबर है। जिसको यकीन ना हो वहीं जाकर के इन बहन से भी पूछ सकते हैं, भैया ये हमको ब्लॉक वजीरगंज डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बहन है, वहां पर उनके केंद्र पर जो 18 चेयर 10 चार्ट वगैरह मिले हैं, तो आप देख सकते हो कुछ सामान भी है। तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि वहां का अधिकारी, वहां के विभाग वाले आपके बहुत अच्छे होंगे और उन्होंने जो आ रहा है जिसके लिए उसको पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सरकार यदि किसी, आप सोच लीजिए, बच्चे को बैठने के लिए चेयर स्कूल में भेजेगी तो जाहिर सी बात है 2 और 3 चेयर का वो क्या करेंगे। यदि बच्चों के लिए आ रही है तो बच्चों के लिए आएंगी, तो जितने लाभार्थी हैं तो उतने तो कम से कम आनी चाहिए। तो कम से कम ऐसी इतनी तो संख्या में तो कुर्सियां होनी चाहिए, 18-20 ऐसे तो, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही, 1-2 कुर्सियां पकड़ाई जा रही, बाकी शायद पैसा विभाग वाले डकार रहे हो, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा बहुत सी बहनों का मानना है। क्योंकि तर्क यही निकल के आता है, यहां पर कहीं कहीं 18 चेयर, कहीं कहीं 2 चेयर, कहीं पर वो भी नहीं। तो आगे ले चलते हैं आप लोगों को, अभी आपने लेटर भी देखा था उत्तर प्रदेश में कि कहीं जहां कहीं कुछ व्यवस्थाएं नहीं है उन व्यवस्थाओं को किया जाएगा, पेयजल की, बिजली की, और भी बैठने अटने की या कुछ भी आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत की, शायद इसी चीज के चक्कर में सब कुछ आ रहा हो। आगे आपको बताना चाहेंगे, अगली खबर पर चलते हैं। ये आईसीडीएस गौतम बुद्ध नगर फेसबुक पर पोस्ट पड़ी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा ऑल इंडिया की खबरों में इसे हम जरूर रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 महीने से जो है कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग लड़ रही थी, और आज उनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। तो बहुत खुशी की बात है कि बहन इस समय अपने घर को आई है, और ये उन्होंने अपने साहस और धैर्य के बल पर जो है कोरोना को हराया। आपको बता दें, ये देख लीजिए हमारी बहन है जो गौतम बुद्ध नगर से है, और इस समय पहले पॉजिटिव थी, संक्रमण इनको हो गया था ड्यूटी सर्वे करने के दौरान, और क्योंकि विभाग वालों ने सुरक्षा नहीं दी है, तो ऐसे में लेकिन बहन ठीक हो चुकी है, वो घर आ चुकी है, बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए। आगे चलते हैं अगली खबर पर, आप लोगों को बता दें, ये देखिए सेविका नहीं करेंगे डीपीटी ऑनलाइन का व सत्यापन का कार्य। जो बिहार में अभी पोषाहार बंद कर डीबीटी व्यवस्था लागू की गई, उसी के विरोध में ये बहनें कह रहे हैं कि हम सत्यापन का काम नहीं करेंगे। तो यहां पर बहुत से लोग अपनी अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बहनों के सामने एक छोटी समस्या ये आ रही है, वो ये है सत्यापन को लेकर के, कि गांव में यदि किसी का नाम वो हटाएंगी सूची से तो इनका मानना है कि लोग इनके साथ गलत बर्ताव करेंगे। लेकिन हम सबका एक और भी पहलू है, मानना है कि पोषाहार भी तो मानक के अनुसार आंगनबाड़ी को नहीं मिलता था, तब बहनें भी बांटती थी, तब भी जो है आंगनबाड़ी के ऊपर बुरा बर्ताव और ये सब कुछ होता था। तो अभी ये सत्यापन का काम बस एक बार करना है, और जो एक्चुअल में लाभार्थी है आप वही हकदार है, तो इसके लिए आपको डरने की क्या जरूरत है। आप थोड़ी ना काट रहे हो, सुपरवाइजर भी सत्यापन का काम कराएंगे, कोई अकेले का आपका काम नहीं है। तो आप कहना कि हमारी सुपरवाइजरों ने हटाया, हमको क्या जरूरत है। तो बहुत से लोगों ने गलत तरीके से अपने आप जो है सत्यापन और ऑनलाइन वगैरह फॉर्म कर दिए थे लाभुक वगैरह बिहार में। ये समस्या मैंने काफी लंबे समय से दिखाई आप सबको, बहुत पहले से मैंने बता रखा है कि डीबीटी व्यवस्था बिहार सरकार लागू करने जा रही थी, 2-2 महीने पहले से सब कुछ चल रहा है, खाता संख्या लिया जा रहा था लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही, तो आप सब जानते हो। अभी इनके सामने एक और समस्या है कि पोषाहार राशि की जो निकासी है वो इन बहनों ने कर ली, पैसा तमाम जनपदों में भेज दिया गया था, निकासी हो गई, अब वो पैसा वापस विभाग मांग रहा है कि वो अब लाभार्थी के खाते में जाएगा। तो जहां जहां वो पैसा आंगनबाड़ी तक पहुंच करके लाभार्थियों तक वो बट गया है, सामान खरीद चुका है, टीएचआर वगैरह, और बट गया है, तो ऐसे में वो पैसे की मांग अब दोबारा वहां के अधिकारी और विभाग वाले ना करें, ये मेरी हाथ जोड़ करके विनती, और इन बहनों की भी है, सभी की है, हर राज्यों के भाई बहनों की यही जो पुकार है कि इन बहनों के लिए जहां पैसा जा चुका है, बट चुका है, उसके लिए आंगनबाड़ी को परेशान ना करें। अगले महीने से आप मत भेजे वहां पर लाभार्थी को आंगनबाड़ी के माध्यम से टीएचआर बांटने के लिए, सीधा खाते में भेजिए, अच्छा रहेगा।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए उस टीएचआर के बदले में आंगनबाड़ी से जो है पैसा ना मांगा जाए या टीएचआर ना मांगा जाए जो बढ़ चुका है वो बहने नहीं ला करके दे सकती है, इसमें काफी समस्याएं आएंगी। तो आगे आपको बता दें बाकी जो मुश्किल है ना सत्यापन की, उसमें मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल बस इतनी मेरे संज्ञान में है कि आंगनबाड़ी के पास अच्छे फोन नहीं है, सत्यापन वो कैसे करेंगी, साथ ही उसमें रिचार्ज नहीं है या और समस्याएं, तो ये आप कह सकती है तो हम मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत आएगी ये थोड़ा अलग है, क्योंकि दिक्कत तो अभी भी आ रही थी जब आप पोषाहार आंगनबाड़ी के माध्यम से जा रहा था, तब भी लाभार्थी बहुत से थे जिनको नहीं मिलता था, कहीं भ्रष्टाचारी है तो कहीं कुछ है, बहुत सी आंगनबाड़ी है जो नहीं बांटती है, बहुत सी है जो बांटती है, उन सब में सभी का जो है नाम जो है बदनाम होता था। बहुत सी बहनें चाहती है कि ये पास सब कुछ बंद हो जाए, एक बार सत्यापन हो जाए वो जाने और सरकार जाने, लोग संक्रमण से भी बचेंगे और हम लोग पोषाहार बांटने से भी बचेंगे, क्योंकि इसमें हमको तो कुछ नहीं मिलना है ना बहनों, हम सबको जो बांट रही है उनको क्या लेना देना है, सरकार जिसका हक है उसको भेजे, हम भी जो है हमारे ऊपर से दाग हट जाएंगे। ये बहुत से लोगों की राय है और बहुत से लोग चाहते हैं कि साफ सुथरा काम हो और आंगनबाड़ी की इज्जत भी बनी रहे। साथ ही आपको ले चलते, लेकिन यहां पर जो मेन समस्या थी मैंने आप लोगों को वो भी बता दी है कि क्या क्या सरकार को करना है, जो पैसा बढ़ चुका है उसके बारे में दोबारा ना मांगे। ये हमारी बहनें बिहार से ही हैं और इन्होंने भी आवाज उठाई है विभागीय स्मार्टफोन को लेकर के कि घटिया क्वालिटी के स्मार्टफोन काम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ढंग के ऐप नहीं चल पा रहे, तो कैसे उसमें क्या काम करें, यही समस्या को लेकर के वीडियो आया है। ये हमारी बहन है आप देख सकते हो सुमन बहन, उनके द्वारा भी यही मांग है, फोन वगैरह जो मिले हैं ना खराब उनमें सरकार रिचार्ज भी पहली बात कराए तभी हम लोग काम करेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में बस इतना चल रहा है कि बहनों को कैसे करके इस पोषाहार के दलदल से पहले बात बाहर निकालना है, और इससे बहनें निकलेंगी तभी बहनें जो है यहां पर अपने अधिकारियों से सवाल जवाब भी कर पाएंगी, जब उनके साथ शोषण होगा और अपने मानदेय के लिए भी वो आवाज उठा पाएंगी, और उनको देखते हुए तमाम लाभार्थी भी उनके साथ में होंगे और पूरा देश भी साथ में खड़ा होगा, तभी ये चोरी के जो इल्जाम लगते हैं वो भी हट पाएंगे। आगे हमारे पास एक मैसेजर राजस्थान से भाई सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने कुछ राजस्थान से जो है ये तस्वीरें भेजी है, यहां पर गेहूं और चने की दाल का वितरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं उनका कहना है वीडियो में इसे जरूर दिखाएं। तो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ तस्वीरें राजस्थान से भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये आप देख सकते हो बहनें राजस्थान से, और अभी आपको और भी खबरें उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी शायद एक बहन है आरती कुमारी बहन ने एक भेजी है ये मुझे खबर, और एक बहन है इनका भी वीडियो मैंने देखा है, वीडियो अच्छा लगा, इनकी भी मांग यही है कि ये पोषाहार जो डीबीटी व्यवस्था है ना उसका वो स्वागत करती है, लेकिन विरोध इस चीज का वो भी करती है मेरी तरह, जैसे यहां पर इनका भी कहना कि जहां जहां पोषाहार का पैसा की निकासी हो गई है वो पैसा विभाग वाले ना मांगे, अगले महीने से सरकार उनको जो है डीबीटी सीधा लाभार्थी के खाते में करे वो अच्छा है, और सत्यापन का विरोध ये बहन भी करती हैं। लेकिन सत्यापन को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिक्कत एक बार अभी आएगी सिर्फ सत्यापन में, वो हमेशा के लिए आप पोषाहार बांटने से झंझट मिलेगा, अधिकारी आप पोषाहार के बदले पैसे मांगते उससे झंझट से मुक्ति मिलेगी, और रोज सर पर गठरी रखने से आपको मुक्ति मिलेगी, तमाम ऐसी चीजें जो मैं आपको समझा भी नहीं सकता इतनी जल्दी जल्दी में, तो आप खुद समझदार हो, मैंने बहुत बार आप लोगों को बता रखा है। अब ये देखिए बिहार में यूनियन वाले धरने के लिए भी बेताब है, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की तरफ से यहां पर बताया जा रहा है 21 जून 2020 को 11 बजे केदार भवन और अदालतगंज पटना में आयोजित की जाएगी एक वगैरह बैठक वगैरह, तो बैठक वगैरह होने जा रही है। अब यहां पर मांग देखिए, पहले इनकी 25,000 रुपए ये मांग कर रहे हैं, क्या ये 25,000 रुपए मैं सबसे पूछना चाहता हूं जायज है, जायज उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि सरकार दे सकती है या नहीं, मैं जायज तो है, जायज तो आप लोगों के लिए 30,000 भी कम है, मेहनत देखी जाए तो 30,000 भी सरकार दे वो भी कम है, लेकिन यहां पर सरकार के सामने आप जो मांग रख रहे हो क्या वो उसको पूरा करेगी, उस पर विचार भी करेगी इत्तु सा भी, तो कुछ भी सोचिए ना मेरी तरफ से, तो हम आपको यही समझा रहे हैं कि मांगो वो जो मिल जाए, तो 25,000 आप मांगोगे सरकार देखेगी तक नहीं आपकी तरफ, और यही तो आप लोग गलती करते हैं यूनियन वाले और ऐसी मांग उठाते हैं जिसका कोई जो है यहां पर औचित्य नहीं बनता, कभी सरकार जो है कूड़े के दान में डाल देती है। अभी आप देख रहे हो कहीं पर भी 15,000 से ऊपर मानदेय नहीं है, 10,000 है, 10,000 एक आध राज्यों में है वो भी कहीं कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो इतना कम मानदेय है, यहां सरकार 10,000 नहीं दे पा रही है, बिहार जैसे राज्य में बिहार सरकार जो है 25,000 देना स्टार्ट कर देगी, वाह भाई वाह, कैसी सोच है हमारे यूनियनों की, ऐसे ही आपके प्रयास जो है गलत डायरेक्शन में बोले जाते हैं और तभी मांगे कभी पूरी नहीं होती, ये यहां 25,000 के चक्कर में बहनों को 25 रुपए तक सरकार नहीं बढ़ाती है, तो अगली बार कुछ करें ना तो अच्छा करें कि ऐसा करें कि सरकार उन पर विचार कर पाए और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके अपना घड़ा भरिए, तो आप एक एक करके, क्योंकि सीढ़ी आप चढ़ते हो तो एक एक पावदान चढ़ते हो, ऐसा नहीं कि एक बार नीचे से छलांग मार के आप ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता है, तो याद रखिए मेरी बातों को और इन भावनाओं को समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आगे यहां पर देख सकते हो पिंकू बयान है, उन्होंने भी कुछ लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित वगैरह कुछ समस्या है, मानदेय की कटौती, बकाया मानदेय, रूम रेंट, मोबाइल का लगातार हैंग होना और लो क्वालिटी का मोबाइल देना जिसके कारण मोबाइल का खराब होना, मानदेय एरियल, कोरोना के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं को जरूरत से ज्यादा काम लेने एवं उन्हें मास्क और सैनिटाइजर प्रदान न करना और जीवन बीमा का लाभ न देना, सबसे बड़ी और अहम बात कि उनकी मानदेय की बढ़ोतरी वगैरह नहीं हो रही है, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आईसीडीएस
आईपीएस अधिकारी से की गई वार्ता जिसका कोई परिणाम और कोई जो है करीब जो है यहाँ पर परिश्रम वगैरह की जरूरत है। तो इसके लिए अभी आपने देखा था मोबाइल फोन को लेकर के, अभी मैंने एक वीडियो दिखाया बहने मोबाइल के बारे में बता रहे हैं, तो ये वहीं से आवाज है बहनों की, अच्छी यहाँ पर आवाज थी उनकी। आगे बताना चाहूंगा, ये देखिए सवितेश बहन, उनका भी मैसेज है, कोई स्वास्थ्य विभाग से हमें बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिस काम का पैसा सरकार दे रही है वह काम अकेले एएनएम और आशा चुपचाप कर लेती है और आंगनबाड़ी को अब्सेंट दिखा देती है। जैसे ट्रिपल ए की बैठक या फाइलेरिया दवा का वितरण जिसे 1000 रुपए लगभग मिलते हैं, जिसे आशा व अन्य जो है रिश्तेदार की मदद लेती हैं, जबकि जो है अभी तक हमने आशा को जो है बनाना सिखाया है, ड्यू वगैरह बनाना सिखाया, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, समस्या हर जगह की एक जैसी नहीं है, हर जगह यानी कि अलग अलग है। तो ऐसे में कहीं कहीं कुछ शोषण ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पर कुछ है। जैसे हाथ में एक उंगलियां जो है पांचों बराबर नहीं है, वैसे समाज में सभी के साथ शोषण भी बराबर नहीं है। तो ऐसे ही आप देख रहे हो जगह जगह से अलग अलग चीजें निकल के आती है। ये आंगनबाड़ी की छटनी अवैधानिक दिनकर प्रमुख सचिव जो आपके विकास सेवा पुरस्कार विभाग को पत्र भेजा गया है, आप देख सकते हो मेरे पास ये सब कुछ आया है, एक तस्वीर वगैरह भी आई, यानी कि एक ब्लॉग टाइप का आया, आंगनबाड़ी बहन ने भेजा है मुझे। और आगे आपको बता दूं इसमें लिखा भी है, रिपोर्ट वगैरह सुरेश कनौजिया जी गोंडा से है, उनके द्वारा है। अगला मैसेज हमारे पास जो लगा हुआ है वो आप देख सकते हो, संगीता मौर्य बहन का, सुधांशु भैया नमस्ते, हम भी चाहते हैं कि डीपीटी वगैरह व्यवस्था जो है वो भी पोसार के माध्यम से अब जो है ये सब कुछ हो जाए, पोसार बंद हो, डीपीटी लागू हो। तो ये भी बहने यही सब कुछ चाहती है और हम सबकी नजर में जो है आंगनबाड़ी चोर को बनाया, यानी आंगनबाड़ी को चोर बनाया जाता है, इसके बारे में आप देख सकते हो बहनों की बस यही मांग है। और भैया पैसे की जगह पोषाहार भूल से लिख गया है और भैया सही कर लेना। तो यहां पर बहन चाहते हैं कि पोषाहार जो है बंद हो, डीबीटी व्यवस्था लागू हो। आगे ये मैसेज है, एक और आंगनबाड़ी बहन है कमलेश के नाम से और उन्होंने भी तस्वीरें पोषाहार वितरण की भेजी है। अगला मैसेज, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आपका वीडियो देखती हूं, मुझे आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है और भाई यूपी में भी पोषाहार बंद हो जाए, मेरा भी यही जो है समर्थन है। देख लीजिए हर जगह से यही आवाज उठी है कि पोषाहार बंद हो जाए, बंद हो जाए। ये बहनें वो हैं जो पोषाहार बांटती हैं, इनको समस्या नहीं है, ये सब सत्यापन भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। जो भाई योग्य है, जिस लाभार्थी श्रेणी में है वही लेगा ना, उसी को मिलेगा। और ऐसे कैसे जो है कोई बुरा बर्ताव करेगा, हमको गांव में रहना है, तमाम लोग जो है यहाँ पर झूठे ये आप लोग लेकर के चले आते हैं कि यहाँ पर समस्या होगी गांव में। ये समस्या तो तब भी हो रही थी ना गांव में, जब पोषाहार मानक के अनुसार नहीं मिलता था और आंगनबाड़ी को फिर भी बांटना पड़ता था। और इसमें भी जो है काफी चीजें होती है, काफी जगह बटता नहीं, काफी कुछ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देख सकते हो और भी बहन है, उनकी भी तस्वीरें। ये और हमारे पास बहन है बाराबंकी से, सूरतगंज वगैरह लिखा हो, वहां से प्रियंका बहन पोषाहार वितरण कर रही है। आगे एक और मैसेज है मेरे पास, सुधांशु भाई नमस्ते, आज और आंगनबाड़ी बहन है रेखा देवी, उनकी तस्वीरें ये आप देख सकते हो, कुछ और भी तस्वीरें मेरे पास लगी हुई हैं। और इसमें आपको बताना चाहेंगे, देखते चले जाइए आप लोग, ये सभी बहनें हैं जो पोषाहार का वितरण अभी भी कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी से भी हैं। और ये आप देख सकते हो और भी मेरे पास मैसेज है, यूपी के जिला मेरठ वगैरह से प्रीति बहन, ऐसे बहुत सी बहनें हैं। मैं आप लोगों को नाम अब काफी बोलते बोलते थक गया हूं, तो आप लोग कुछ तस्वीरें ये बस देखते चले जाइए। अभी फिलहाल के लिए एक दो चीजें और इसमें निकल के आएंगी, वो भी आप लोग देखना। तो ये सब बहनें ऐसी हैं जो सब चाहती है मैंने कि पोषाहार व्यवस्था वगैरह बंद होकर के वो सब कुछ लागू हो, क्योंकि ये वितरण कर रही है और इसमें जब जिसका हक है उसको ही जो दे देगा तो भाई हम लोगों को क्या लेना देना। और साफ सुथरे तरीके से जाए, हमसे होकर के ही ना आए, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी हटेगी, हमारे ऊपर से आरोप हटेंगे, इल्जाम हटेंगे, ये सब कुछ। ये देखिए गीता पांडे बहन, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियों से ये सब कुछ बनाया है, काफी मुझे पसंद आया, आप लोगों को मुझे दिखाने का मन था, मैंने आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाई। आगे देखिए आंगनबाड़ी बहन है, उनके द्वारा भी ये चीजें भेजी गई हैं। अगले हमारे पास और बहन है गोमती बहन, उनके द्वारा भी ये चीजें भेजी गई हैं। और एक और हमारे पास मैसेज लगा, भैया नमस्ते, हमें ये बताएं जो पोषाहार हमारे केंद्र पर आता है उसके लिए जो बोरी का खाली बोरी का पैसा जाता है उसके लिए यहां पर मांगा जा रहा है, तो उनके वहां पर 1 रुपया जा रहा है, काफी जगह मैंने देखा 50 पैसे भी जाते हैं। तो ये अलग अलग है कि वहां पर पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। साथ ही आपको बता दें अवंतिका बहन है, उनके द्वारा भी मैसेज आया है, और भाजी नमस्ते, और वही लोग जो काम नहीं करते हैं, गली गली जो घूमकर पोषाहार बांटते तब काम करने वाली बहनों का तकलीफ समझती। भाई आपने यह कहावत सुनी होगी कि जिस तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कुछ लोग भी उसी मछली की भांति हैं जो पूरे विकास को जो है बाल विकास को यानी कि गंदा कर रहे हैं। मैं कमेंट भी की थी ताकि अपने वीडियो में शामिल करें लेकिन नहीं हुआ, मैं सुनीता देवी साहबगंज वगैरह चंदौली से। तो कभी कभी आप देखते हो इतने ज्यादा पहली बात मैसेज आते हैं तो बहुत से लोगों की आवाज रह जाती है कमेंट वाली। तो प्रिय भैया जी आपकी तबीयत जो है ठीक है और चिंता सी हो रही है क्योंकि आपको यहाँ आज सुबह के बाद कोई वीडियो नहीं आया, तो आपने देखा कल सिर्फ एक वीडियो आया था, उसके बाद दोपहर शाम का वीडियो नहीं आया, इसीलिए बहुत सी बहनें परेशान हो गई। एक वीडियो कुसुम बहन है, उनका भी मैसेज, ऐसे तमाम मैसेज मेरे पास लगे थे। तो आप लोगों को बस परेशान नहीं होना, कल मेरे पास काफी व्यस्तता थी, काम बहुत ज्यादा था, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। अगला मैसेज देख सकते हो भैया जी, मेरे यहाँ बीएचएनडी की सूची 4 माह की एक साथ में बना के हम लोगों ने दी है और विभाग की तरफ से ये लोग
लोग कह रहे हैं कि इसके साथ में 20 रुपए भी जमा करो और एमपीआर की रिपोर्ट के साथ भी 25 रुपए जमा करो। भैया जी, क्या अन्य परियोजनाओं में भी यही होता है? हम लोगों को इतना वेतन भी सरकार नहीं देती है, हम लोग क्या करें एक बच्चे की पढ़ाई ठीक से हो जाए, उतना भी सरकार हम लोगों को वेतन नहीं देती है। मैं आंगनबाड़ी सीमा मिश्रा ब्लॉक अपना जनपद वगैरह सीतापुर से, तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखिए जगह जगह से आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं आ रही है। अब इन समस्याओं को देखते हुए हमारे यूनियन वाले वहां के क्षेत्रों के कभी भी आवाज नहीं उठाते और जब भी कुछ ऐसा वैसा सरकार कर दे उनका विरोध करने के लिए आगे मैदान में आ जाते हैं। बहनों ये गलत कर रहे हैं, बहनों वो गलत कर रहे हैं, ये भरमाएंगे वो भरमाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते पोषाहार हो या अन्य चीजें, उनसे समस्या कितनी उत्पन्न हो रही थी उन सबसे निजात मिल जाएगी तो इसके बारे में नहीं सोचते। और जो आंगनबाड़ी बहनें ऐसी समस्या उठाती हैं उनके ऊपर ये जो कभी रिपोर्ट का फीडिंग का ये का वो का ये सब पैसा जा रहा है ना, इसका आखिर वो लोग विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि ये करेंगे तो अधिकारियों का विरोध करना होगा और बहुत से अधिकारियों का विरोध तो दूर की बात है, बहुत से लोग तो गुलाम बने बैठे हैं। ऐसे यूनियन की बहुत सी बहनें जो सच्चाई खोलती हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, देख लीजिए भाई, हमारे जिले में पुष्टाहार बंद हो जाता है तो हमारी जिंदगी संभल जाती है। भाई आपकी मेहनत हमारी जिंदगी बदल देगी, आपको लाखों बार धन्यवाद। देखिए सभी भाई बहन यही चाहते कि पोषाहार बंद हो। और सर जी, जो केशव राय पाटन जिला बूंदी राजस्थान से महिला बाल विकास परियोजना में आज दिनांक 17 जुलाई 2020 तक इस परियोजना में जो पुराना बकाया एरियर व लगभग 10 महीने का स्वयं सहायता समूह का पोषाहार की राशि अभी तक बकाया है, इस समस्या का निदान कब होगा? आप देखिए वही समस्या है, 10 महीने का आप हर जगह कानून एक जैसे नहीं लागू है, थोड़ा बहुत बदलाव है। पोषाहार वहां जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जाता है तो 10 महीने का बकाया है पोषाहार का, आप देख सकते हो यहां पर तो लग, अब इन सब राशि बकाया है। आप खुद सोचिए पोषाहार नहीं पोषाहार का पैसा अब बहनों ने यदि अपनी जेब से खरीद करके बांट दिया होगा पता नहीं उनको कब मिलेगा। सेम समस्या उनके भवन को लेकर के, भवन को लेकर के कोई यूनियन नहीं कहता कितनी आंगनबाड़ी भवन किराए पर चल रही है, इनका पैसा हमें भुगतान करवा देना और इनके लिए मुझे आवाज उठानी है, ये बेचारी कैसे जिंदगी जी रही होगी। इनके लिए नहीं होगा, उनको भीड़ देखनी है कि कैसे इनको गुमराह करें, कैसे हम क्या करें, ये सब उनको ज्यादा नजर आता है। तो जो समस्याएं हैं मेन उन पर कोई विचार करना नहीं चाहता और छोटी मोटी चीजों पर जो अड़चने लगाने के लिए लोग काफी आते हैं। तो ये देखिए बहन की कितनी बड़ी समस्या राजस्थान से है आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है। आगे बता दें, आंगनबाड़ी सेविका के साथ मारपीट प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज हो चुकी है। आपका जदाहा वगैरह लिखा है संवाद सूत्र की तरफ से, तो जदाहा कहीं पड़ता है थाना सोहरथी पंचायत में, तो वहीं से एक खबर आ रही थी। साथ ही बताना चाहेंगे एक हमारे पास बहन ने लिखा है, ये देखिए भाई सुधांशु नमस्ते, मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, मैं आपका वीडियो रोज देखती हूँ, सेवा में भाई पोषाहार बंद हो जाना चाहिए, पोषाहार की जगह डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा आना चाहिए, घर घर से पोषाहार वितरण करने में जो छुटकारा मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी है शिवप्यारी बहन, आप देख सकते हो माधवगंज हरदोई से है, यानी हमारे ही जो है आसपास के जो है ब्लॉकों से है, मल्लावा से बहन हमारी माधवगंज से, बहुत अच्छी बात है। साथ ही बताना चाहेंगे ये हमारे सुबह आज एक वीडियो दिया था ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर पड़ा होगा, 8वीं और 10वीं पास जो बहनें हैं बिहार राज्य की उनके लिए जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी ये मेरे पास आया था, मैंने इस नोटिफिकेशन को दिखाया, मेरे पास बहन ने ही ये नोटिफिकेशन भेजा है और ये सब कुछ बताया, 15 से 29 जून तक वहां पर आवेदन हो सकते, तो आप अपना देख लीजिए, पूरे बिहार में नहीं है लेकिन पूरे बिहार के कुछ कुछ जनपदों में है। अब वो अपना अपना कार्यालयों से आप लोग पता कर लेना अच्छा रहेगा, जो वीडियो में साइट वगैरह इसमें दी होगी उस पर आप जाकर के देख सकते हो तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।